दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और 3 दिनों में लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन फिल्म का जितना बजट है उसके हिसाब से यह धीमी शुरुआत है। फिल्म का निर्माण लगभग 150 करोड़ रुपए में हुआ है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार की बड़े बजट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में धीमी चल रही है। इससे पहले भी अक्षय कुमार की कई बड़ी बजट की फिल्में आ चुकी है और इनमें से कई हिट तो कई फ्लॉप साबित हुई है। तो आइए एक नजर डालते हैं अक्षय कुमार की बड़ी बजट की फिल्मों के हाल पर। दोस्तों नंबर 1 पर है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जो 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए। मिलन लुथरिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 61 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 2 पर है फिल्म बुल्लू, जो 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 129 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 39 करोड़ रुपए कमाए थे। इस फिल्म का निर्माण एंथनी डिसूजा के निर्देशन में हुआ था। दोस्तों नंबर 3 पर है ब्रदर, जो 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 112 करोड़ रुपए। करण मल्होत्रा के डायरेक्शन वाली इस फिल्म का हाल भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा था। फिल्म ने लगभग 82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों नंबर 4 पर है गोल्ड, जो 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 107 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 104.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म का डायरेक्शन रीमा गागती ने किया था। दोस्तों नंबर 5 पर है 2.0, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए। इस फिल्म में रजनीकांत की भी मुख्य भूमिका थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 275 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों नंबर 6 पर है केसरी, जो 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए। इस फिल्म का निर्माण अनुराग सिंह के डायरेक्शन में हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन लगभग 154 करोड़ रुपए का रहा था। दोस्तों नंबर 7 पर है हाउसफुल 4, जो 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 175 करोड़ रुपए। फरहाद सामजी के निर्देशन वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 195 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों नंबर 8 पर है गुड न्यूज, ये भी 2019 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 117 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 205 करोड़ रुपए कमाए थे। इसका डायरेक्शन राज मेहता ने किया था। नंबर 9 पर है बेल बॉटम, जो 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 168 करोड़ रुपए। इस फिल्म का डायरेक्शन रंजीत एम तिवारी ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन करीब 31 करोड़ रुपए रहा था। नंबर 10 पर सूर्यवंशी, जो 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 180 करोड़ रुपए। ये रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 196 करोड़ रुपए रहा था। नंबर 11 पर है बच्चन पांडे, जो 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 165 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई तकरीबन 50 करोड़ रुपए रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी थे। दोस्तों नंबर 12 पर है सम्राट पृथ्वीराज, जो 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों नंबर 13 पर रक्षाबंधन, जो 2022 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 158 करोड़ रुपए। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय थे और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 44 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 14 पर है कठपुतली, जो 2022 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए। रंजीत एम तिवारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला है।